नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं नेहा। तीन तलाक विरोधी कानून और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद अब मोदी सरकार धर्मांतरण विरोधी बिल यानी एंटी कन्वर्जन बिल लाने की तैयारी में है। अगले सत्र में इस बिल को लेकर सरकार सदन में रखेगी और इस पर विचार करेगी। बीजेपी से जुड़े थिंक टैंक के लोग बहुत पहले से इस मुद्दे को उठाते आए हैं। धर्मांतरण की खबरें पूर्वोत्तर केरल और उत्तर प्रदेश से अक्सर सामने आती है, जहां डराकर, धोखे से या लालच देके गरीब और शिक्षित लोगों को धर्म का परिवर्तन उनका कर दिया जाता है। मोदी सरकार अगले सत्र में धर्मांतरण विरोधी कानून ला सकती है। पिछली सरकार में संसदीय कार्य मंत्री रहे वेंकैया नायडू ने सभी दलों से धर्मांतरण पर एक राय से कानून बनाने की अपील भी की थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। अब नई सरकार में मोदी सरकार फिर से इस बिल को पेश करने की सोच रही है। बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय धर्मांतरण विरोधी कानून के लिए लंबी मुहिम चलाई है। उन्होंने इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि देश के कई राज्यों में हिंदू पहले ही अल्पसंख्यक हो चुके हैं, इसके बावजूद बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हो रहा है। बहरहाल, अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि जिस प्रकार से बहुत ही सुनियोजित ढंग से धर्म परिवर्तन हो रहा है, यदि उसे नहीं रोका गया तो आने वाले 10 वर्षों में स्थिति अत्यधिक भयावह हो जाएगी। भारत विरोधी शक्तियां धर्म परिवर्तन के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाना चाहती है। अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि कुछ राज्यों ने तो धर्मांतरण विरोधी और अंधविश्वास विरोधी कानून बनाया है, लेकिन ये कानून बहुत कमजोर है। यही कारण है कि धर्मांतरण और अंधविश्वास की बढ़ती घटनाओं के बावजूद आज तक किसी को सजा नहीं हुई है। इसलिए आपसे निवेदन है कि वर्तमान संसद सत्र में कठोर धर्मांतरण विरोधी कानून और एक प्रभावी अंधविश्वास विरोधी कानून बनाने के लिए गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय को आवश्यक निर्देश दें। जब तक धर्मांतरण कराने वालों और अंधविश्वास फैलाने वालों को 100% उनकी संपत्ति जब्त नहीं कर ली जाती या उन्हें आजीवन कारावास नहीं दिया जाएगा, तब तक धर्म परिवर्तन और अंधविश्वास को रोकना नामुमकिन है। तो लगातार आप बने हुए सिटी पोस्ट के साथ। ऐसी खबरों के लिए और लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। इसके लिए आपको करना होगा हमारे खबर को लाइक, हमारे इस खबर को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार। कि आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।